हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ वॉलीबॉल के रूल्स, मेजरमेंट एंड हिस्ट्री से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर के। दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो या यूपीएलटी के हो, एमपी टेट हो, चाहे अदर स्टेट के टीजीटी पीजीटी हो, सभी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने के लिए जुड़ जाइए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, वॉलीबॉल खेल की खोज किस देश ने किया था, बार बार पूछा जाता है, तो इसकी खोज किया था अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल खेल की खोज किसने तथा कौन से सन में किया था, तो इसको किया था विलियम जी मॉर्गन ने 1895 में अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम वॉलीबॉल प्रतियोगिता कब और कहां आयोजित किया गया, तो 1922 न्यूयॉर्क के YMCA द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम वॉलीबॉल प्रतियोगिता कब और कहां पे आयोजित हुआ दोस्तों, तो 1936 लाहौर में भारत में प्रथम वॉलीबॉल प्रतियोगिता संपन्न हुआ। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब हुई, तो अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना 1947 में किया गया। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल खेल के जन्मदाता का क्या नाम है दोस्तों, तो विलियम जी मॉर्गन ने 1895 में अमेरिका में इसकी खोज किया। नेक्स्ट दोस्तों, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ, तो 1951 में वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल खेल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया दोस्तों, तो 1964 टोक्यो जापान में शामिल किया गया। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 12 खिलाड़ी होते हैं और प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी खेलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, वॉलीबॉल खेल में टाइम आउट कितने सेकेंड का होता है, तो दोस्तों 30 सेकेंड का टाइम आउट होता है। एक टीम को एक सेट में दो टाइम आउट 30-30 सेकेंड के मिलते हैं, जो खेल रुकने और सर्विस ब्रेक होने पर दिया जाता है। एक होता है दोस्तों टेक्निकल टाइम आउट, जो टेक्निकल टाइम आउट होता है वो 60 सेकेंड का होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल खेल का खेल कितने घंटों का होता है, तो इसमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होता है, 5 सेट होते हैं दोस्तों वॉलीबॉल में। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल की FIVV में डी का क्या मतलब होता है, तो उसका मतलब होता है का। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल में पहले 3 सेट के मध्य अवकाश का समय कितना होता है दोस्तों, तो 2 मिनट का, ठीक है। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल में चौथे और पांचवें सेट के मध्य अवकाश का समय कितना होता है, तो 5 मिनट का। तो वॉलीबॉल में पहले 3 सेट के मध्य अवकाश का समय होता है 2 मिनट का, और चौथे और पांचवें सेट के मध्य 5 मिनट का, यानी कुल 5 सेट में किया जाता है। बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर निर्णय लिया जाता है, ठीक है, बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर निर्णय लिया जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इंडोर स्पर्धाओं में वॉलीबॉल ग्राउंड से छत की ऊंचाई क्या होती है, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इंडोर या इंडोर गेम है, जैसे कि बास्केटबॉल, वॉलीबॉल एंड बैडमिंटन, इंडोर भी खेला जाता है, तो इसकी छत की ऊंचाई होती है 12.5 मीटर एंड बास्केटबॉल की छत की ऊंचाई होती है इंडोर की 7 मीटर एंड बैडमिंटन की होती है 9 मीटर, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल खेल का पहला नाम क्या था दोस्तों, पुराना नाम था मिंटोनेंट, ठीक है, पूछ सकता है कि मिंटोनेंट किस खेल को कहा जाता है, तो वॉलीबॉल को। नेक्स्ट है, किसने मिंटोनेंट का नाम बदलकर वॉलीबॉल रखा दोस्तों, तो डॉक्टर A.T. हॉल स्टेड ने रखा इसका नाम वॉलीबॉल। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल के कोर्ट में फ्रंट जोन की लंबाई और बैक जोन की लंबाई कितनी होती है, तो फ्रंट जोन 3 मीटर एंड बैक जोन 6 मीटर होता है। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल के कोर्ट की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है दोस्तों, तो 8×9 मीटर होती है। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट की साइड लाइन से पोस्ट लाइन की दूरी कितनी होती है दोस्तों, तो साइड लाइन से पोस्ट लाइन 1 मीटर की दूरी पर होता है। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल खेल में प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया, तो ए प्लानी स्वामी को दिया गया 1961 में। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIVV का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल। नेक्स्ट है,
वॉलीबॉल खेल के दौरान रोटेशन होता है, जो रोटेशन होता है दोस्तों वो क्लॉकवाइज होता है। क्या होता है? क्लॉकवाइज होता है। मान लीजिए ये आपका ये है ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पे एक रहेगा, यहाँ पे दो तीन चार पाँच छः, तो जो रोटेशन होगा वो क्लॉकवाइज होगा। और जो सीट होगा बैठने के लिए, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल में खिलाड़ियों का स्थान यानी कि प्लेसमेंट ऑफ प्लेयर होता है तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आपको देखना है कि जो रोटेशन होता है वो क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, जो रोटेशन होता है वो कैसे होता है, क्लॉकवाइज। एंड जो पोजीशन होता है, प्लेसमेंट ऑफ प्लेयर होता है, तो वो होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यानी कि जो रोटेशन होता है क्लॉकवाइज, और जो प्लेसमेंट ऑफ प्लेयर को खड़ा किया जाता है अपने अपने स्थान पे, तो वो होता है एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट है, फर्स्ट रेफरी के सीटी बजाने के बाद सर्विसमैन को कितने समय के अंतर्गत सर्विस करनी पड़ती है अन्यथा फाउल माना जाएगा, तो 8 सेकेंड के अंतर्गत सर्विस करनी पड़ती है अन्यथा वो फाउल माना जाएगा। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल खेल में पुरुषों के लिए नेट की हाइट कितनी होती है, ऊंचाई कितनी होती है, 2.43 मीटर होता है। एंड वॉलीबॉल खेल में महिलाओं के लिए नेट की हाइट कितनी होती है, तो 2.24 मीटर होता है। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल खेल में नेट की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है दोस्तों, तो नेट 9.5 से 1 मीटर तक होता है। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल खेल में बॉल का भार कितना होता है, तो 260 से 280 ग्राम होता है वॉलीबॉल में बॉल का भार। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल खेल में बॉल की परिधि कितनी होती है, डायमीटर होता है आपका 65 से 68 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल खेल में बॉल के अंदर हवा का दाब कितना होता है दोस्तों, तो 0.40 से 0.45 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल खेल में एंटीना की कुल लंबाई कितनी होती है दोस्तों, तो 180 मीटर इसका होता है। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल खेल में एंटीना नेट से कितने ऊपर निकला हुआ होता है, तो दोस्तों एंटीना जो होता है 1 मीटर नेट में होता है और 80 सेंटीमीटर वो एंटीना से ऊपर उठा हुआ होता है। वॉलीबॉल खेल में एंटीना का रंग कैसा होता है दोस्तों, सफ़ेद और लाल होता है, 10 सेंटीमीटर सफ़ेद और 10 सेंटीमीटर लाल ऐसे करके रहता है। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल खेल में नेट के एक खाने की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, तो 10x10 का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल खेल में कितनी कार्ड का प्रयोग किया जाता है, 3 कार्ड होता है, ग्रीन येलो एंड रेड। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल खेल में सेंटर लाइन से अटैक लाइन की दूरी कितनी होती है दोस्तों, तो सेंटर लाइन से अटैक लाइन 3 मीटर होता है एंड अटैक लाइन से इंड लाइन जो होता है वो 6 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वॉलीबॉल खेल में पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है, जो पोल होता है वो 255 मीटर होता है। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट की कुल लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है फ्री जोन सहित, तो फ्री जोन सहित वॉलीबॉल कोर्ट की कुल लंबाई हो जाती है 32×19 मीटर। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल खेल में बॉल फिकर्स कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। नेक्स्ट है, लिब्रो अटैक लाइन से आगे खेल सकता है, नो दोस्तों नहीं खेल सकता है लिब्रो, लिब्रो के एक अलग रूल है, इसके बारे में अलग से बताया जाएगा। एक टीम में कितने लिब्रो की खिलाड़ी की संख्या होती है, तो 2 लिब्रो खिलाड़ी एक टीम में हो सकता है। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल शब्द में बॉली से क्या तात्पर्य है, तो इसमें बॉली से तात्पर्य है लगातार हवा में उछालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल खेल में अधिकारियों की संख्या कितनी होती है, तो 7 अधिकारी होते हैं इसमें वॉलीबॉल खेल में। इसमें 2 रेफरी होते हैं दोस्तों, प्रथम और द्वितीय, 4 रेखा निरीक्षक और 1 स्कोरर होता है। नेक्स्ट है, FIVB के प्रथम अध्यक्ष का क्या नाम था, तो H. रूबेन एकेस्टा। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया, तो 1958। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रथम विश्व कप प्रतियोगिता महिला कब शुरू हुई, तो 1952 मॉस्को रूस में। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रथम वॉलीबॉल विश्व कप प्रतियोगिता पुरुष का कब शुरू हुआ, तो 1949 पैराग्वे चेकोस्लोवाकिया में शुरू हुआ।
नेक्स्ट है, सन 1917 में वॉलीबॉल खेल में नेट की ऊंचाई क्या थी? तो 2.44 थी मीटर। एंड नेक्स्ट है, सन 1918 में वॉलीबॉल खेल में पॉइंट की संख्या कितनी होती थी? तो 15। नेक्स्ट दोस्तों, एटी हल स्टेट ने मिंटो नेंट को वॉलीबॉल का नाम किस सन में दिया? तो 1896 में दिया, क्योंकि 1895 में विलियम जी बोर्गर ने इसकी खोज की थी। 1896 में मिंटो नेंट को वॉलीबॉल नाम दिया एटी हल स्टेट ने। नेक्स्ट है, प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कौन है वॉलीबॉल में? तो ए रमन राव है 1996 में। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ी को जर्सी पर नंबर कितने से कितने तक के होते हैं? दोस्तों तो 1 से 18 तक खिलाड़ी के जर्सी के नंबर होते हैं वॉलीबॉल में। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ी की जर्सी के नंबर का आकार होता है? तो 8×2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता का नाम बताइए? तो वॉलीबॉल राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता का नाम है मापा कटू MS जोजेफ ट्रॉफी 1952 में मद्रास में। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल की राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता का क्या नाम है? तो पूर्णिमा ट्रॉफी। एक होता है पद्मा ट्रॉफी जो क्रिकेट से संबंधित है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है, हाफ सब्स्टिट्यूशन और रोलिंग सब्स्टिट्यूशन नामक शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो वॉलीबॉल में। तो दोस्तों ये था वॉलीबॉल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलती है नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।